गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप सभी को मतलब मैं बताने वाली हूँ मेरा पेपर डॉल हाउस मैंने घर पर बनाया है वो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसा है और मैंने उसको कैसा बनाया है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पेपर डॉल हाउस, यहाँ दो विंडोज है और एक डोर है। सो देखिए यहाँ पर डॉल मेरी सोई है और ये देखिए यहाँ पर विंडो, यहाँ पर भी मतलब एक विंडो है। ये यहाँ से ही है, मतलब ये जो अंदर का है वो बाहर वाला बन रहा है। सो उस इसके बाद ही यहाँ पर टीवी है और उसके नीचे सोफ़ा है। सो सोफ़ा भी अच्छा है। चलिए उसके बाद देखते क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा बाथरूम, तो देखिए ये मतलब यहाँ सोफ वगैरह रखा है मेरी डॉल का। ये देखिए कितना मस्त सोफ है। उसके बाद मेरा मतलब शैम्पू भी रखी है मेरी डॉल, जो शैम्पू भी है मेरी डॉल की। ये देख लीजिए आप, उसका पता नहीं कहाँ गया ऊपर का। सो देखिए मतलब बाथ टब वगैरह भी देख ही सकते। चलिए वापस रख लेते हैं जगह पर। और देखिए उसके ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर टाइल लगा वहाँ पर कुछ बाथरूम है। उसके बाद यहाँ पर ब्रश करने वाला है। और ये देखिए यहाँ पर अलमारी है, उसकी कुछ कपड़े जैसे जींस टॉप वगैरह लगा है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ टांग सकती है हमारी डॉल। ये देखिए हैंगर वगैरह लगे हैं। और ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारी डॉल कुछ रख सकती है और हैंग भी कर सकती है ऊपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ है। इसे बंद कर देते हैं इसको। चलिए देखा जाए कि अंदर और क्या है। तो आ गया हमारा किचन। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा है। देखिए यहाँ पर डॉल और यहाँ पर एक मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं सो वही है। तो मेरी डॉल में मैगी जो भी मतलब उसको पसंद है वही बना लेती है। मतलब अगर आपको इस ऐसा ही वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना। मैं ऐसे वीडियो आप ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर चेयर मतलब चेयर्स रखी है। ये देखिए और यहाँ ड्रिंक्स है, प्लेट भी है और एक यहाँ पर सब फ्लावर बना है। और मैंने आप सोच रहे किचन में तो फ्रिज भी रहना चाहिए, तो मैंने फ्रिज नहीं बनाया है। सो अगर आपको चाहिए कि हाँ बनाओ सो मैं आप कमेंट कर दीजिए। सो ये यहाँ ही खत्म होता है। अगर इसके आगे भी आपको चाहिए तो कमेंट करना। बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बाय।